दोस्तों आज की इस खास वीडियो में मैं आपको फ्लैक्सीड्स के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि अलसी के बीजों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, स्किन हमेशा डल दिखता है, आप अपनी उम्र से ज़्यादा देखते हैं, चेहरे पर रिंकल्स झुर्रियाँ आ गई हैं, बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, शरीर का मोटापा बढ़ा हुआ है, आँखों में दिक्कत है, डायबिटीज़ है, कमजोर इम्यूनिटी है, यानी बार बार आप बीमार पड़ जाते हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जोड़ों में घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, तो इसमें ये औषधि की तरह काम करता है। दोस्तों अलसी के ये छोटे छोटे दाने गुणों का खजाना है, इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। ये मछली से भी ज्यादा अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेजिटेरियन है, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वे लोग इस चीज का सेवन आसानी से कर सकते हैं और शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। अलसी के बीज में दोस्तों काफी मात्रा में आयरन, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन तत्व पाए जाते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन इसका सही तरीके से सेवन करना बहुत ही आवश्यक है, तभी यह 100% फायदा करेगा। जबकि अगर आप इसे गलत तरीके से खाएंगे तो इसके फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो हम अपने शरीर के प्रकृति के हिसाब से जानेंगे, यानी हमारे शरीर के नेचर के हिसाब से जानेंगे कि किस तरह से अलसी का सेवन करना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। आयुर्वेदिक किताब अष्टांग ऋग्वेद में बताया गया है कि शरीर का तीन तरह का नेचर होता है, वात, पित्त और कफ। तो जिन्हें वात दोष है, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, गठ या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेंस की समस्या है, नसों में दर्द है, साइटिका की प्रॉब्लम है, ये सारी ही प्रॉब्लम वात बढ़ने की वजह से होता है, वात यानी कि वायु बढ़ने की वजह से होती है। तो उन लोगों को अलसी किस तरह खाना है, तो उन लोगों को अलसी भूनकर खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस तरह से अलसी खा सकते हैं। आपको करना क्या है, अलसी को तवे पर भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है, इसमें तेल घी का इस्तेमाल नहीं करना है, और भूनकर किसी डब्बे में भरकर रख लेना है। भूनकर आपको इसे पीसना भी नहीं है, अगर आप इसे पीस लेते हो तो आपको 6 से 7 दिन के अंदर ही इसे कंज्यूम करना होगा, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाती है। तो आप बगैर पीसे इसे डब्बे में रख लीजिए, इस तरह से आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, ये खराब नहीं होगा। आपको रोजाना इसका 2 से 4 चम्मच तक सेवन करना है, आप दिन में 2 बार भी इसका सेवन कर सकते हो। सुबह नाश्ता करने के बाद इसका 2 चम्मच थोड़े से गुड़ की ढेली के साथ खा लें, और दोपहर के खाना खाने के बाद भी 2 चम्मच थोड़े से गुड़ की ढेली के साथ आप इस तरह खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आप 4 चम्मच तक गुड़ के साथ ले सकते हो, लेकिन गर्मी के मौसम में आप 4 की जगह 2 चम्मच ही कंज्यूम करना। इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्मी के मौसम में आपको नुकसान भी कर सकता है। वैसे जिनके शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है, उन्हें गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए और ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनकी भी बॉडी पित्त प्रकृति की है, मतलब गर्म प्रकृति का है, पेट में एसिड ज्यादा बनता है ना, अम्ल ज्यादा बनता है, चेहरे पे दाने निकल आए हैं, खट्टी डकारें आती हैं, पूरे दिन ठंडी चीजें खाने का मन करता है, हाथ पैर में जलन की प्रॉब्लम रहती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो उनका शरीर पित्त प्रकृति का है, तो उनको अलसी का सेवन हमेशा भिगो कर करना चाहिए। भिगो कर करने से क्या है कि इसकी जो गर्म तासीर है वो नॉर्मल हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि 2 चम्मच अलसी को रात को भिगो कर रख देना है, और सुबह नाश्ते के बाद इस भीगे हुए अलसी को थोड़ा कूट लेना है, तो इसे दही के साथ, छाछ के साथ, या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोस्तों इस तरह से आप पूरे सर्दी का मौसम में, पूरे गर्मी के मौसम में सेवन कर सकते हो, इससे आपको अलसी के पूरे फायदे मिलेंगे। इसके अलावा जिनका शरीर कफ प्रकृति का है, जिनको सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा 12 महीना इस तरह की दिक्कत रहती है, जिनका शरीर कफ नेचर का है, उनके शरीर में मोटापा भी बहुत ही तेजी से बढ़ता है, तो उन लोगों को इस तरह खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है और सर्दी खांसी जुकाम की समस्या भी हमेशा रहती हो, तो आप अलसी को गुनगुने पानी के साथ लीजिए। आपको करना क्या है कि अलसी को भून लेना है तवे पर, इसे ड्राई रोस्ट करके रख लेना है, और रोजाना खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको इसका सेवन करना है। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है तो आपको इसमें बहुत फायदा करेगा। 2 चम्मच भुना हुआ अलसी लीजिए और इसमें 3 से 4 काली मिर्च के दाने मिला दीजिए और इसे चबा चबा कर खा लीजिए,
और इस तरह से आप पूरे सर्दी के मौसम में सेवन किया करें। दोपहर का खाना खाने से आधे घंटे पहले लीजिए और रात के खाना खाने से आधे घंटे पहले लीजिए। इस तरह से आप लगातार सेवन करते हैं तो सर्दी खांसी में भी आपको फायदा मिलेगा और शरीर में जो मोटापा बढ़ा हुआ है वो मोटापा भी तेजी से कम होगा। इस तरह जरूर इसे फॉलो करके देखना दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर को हेल्दी रखने के लिए इम्यून सिस्टम का यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। अगर इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो बार बार बीमार होंगे। तो किसी भी व्यक्ति को अपना इम्यून सिस्टम सही रखने के लिए न सिर्फ अपने डेली रूटीन पर ध्यान देना चाहिए बल्कि प्रॉपर डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए अलसी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें ALA होता है जो एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अलसी में फाइबर, प्रोटीन और भी काफी सारे पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून पावर को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। इससे आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। इसके लिए आप अलसी के बीज या उसके पाउडर को अपने डाइट में शामिल जरूर किया करें। अलसी दोस्तों शरीर में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। दिल की धमनियों में, नसों में कोलेस्ट्रॉल के जमने से हार्ट अटैक आता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल कम करके हार्ट अटैक के खतरे को भी ये कम करता है। अगर आप भविष्य में हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो अलसी को जरूर डाइट में शामिल करें। अलसी दोस्तों पोटेशियम का रिच सोर्स होता है, तो जो लोग हाई बीपी के पेशेंट हैं वे डेली अलसी का सेवन किया करें। अलसी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के असर को भी कम करते हैं, जैसे कि चेहरे पर आने वाली झुर्रियां, फाइन लाइंस को ये दूर करता है। साथ ही चेहरे के कील मुहासों को भी दूर कर स्किन में नेचुरल ग्लो लाता है और स्किन को लंबे समय तक जमा बनाए रखता है। तो इसके लिए आप अलसी खाइए। अलसी खाने के अलावा मैं एक मैजिकल रेमेडी बताता हूँ, एक जेल के बारे में बताता हूँ जिसे आपको अपने स्किन पर इसे अप्लाई करना है। तो इस जेल को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 बाउल अलसी और 6 बाउल पानी, यानी कि जितनी क्वांटिटी आप अलसी ले रहे हो तो उसका 6 गुना ज्यादा आपको पानी लेना है। यानी कि आपने 1 बाउल अलसी लिया तो आपको 6 बाउल पानी लेना है। आपको एक पैन में पानी लेना है और अलसी को डाल देना है, उसे पकाना है। 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में इसे पकने देना है। आप देखोगे कि ये जेल में तब्दील हो जाएगा, आपको जेल जैसा बनता हुआ दिखाई देगा। 5 से 7 मिनट उबलने के बाद आप इसे गैस को बंद कर दीजिए और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी कॉटन के कपड़े से छानकर आप इस जेल को अलग कर लें। और इसमें आपको ऐड करना है एक चीज और, वो है विटामिन ई कैप्सूल। आपको 3 से 4 कैप्सूल के ऑयल को इस जेल में मिला देना है। तो आपका हो गया दोस्तों नाइट क्रीम। इसे आपको रोजाना रात को फेस पर अप्लाई करके सो जाना है। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने बालों को लंबा घना बनाना चाहते हो तो इसी जेल में आपको कोकोनट ऑयल मिलाना है। जितनी क्वांटिटी जेल की है उससे आधी क्वांटिटी आपको कोकोनट ऑयल को इसमें ऐड करना है, इसे मिक्स करना है और इससे अपने बालों के स्कैल्प में मसाज देना है। ऐसा वीक में 3 दिन करना है और फेस पर अप्लाई आपको रोजाना करना है। आप देखोगे कि दूसरे दिन से ही आपके चेहरे में फर्क नजर आएगा, चेहरे पर नेचुरल ग्लो देखोगे। इसके अलावा जिनके बाल झड़ते हैं उनमें ओमेगा 3 की कमी होती है, जिस वजह से बाल सफेद भी हो जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं और बाल कम होने लगते हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा और काला घना करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया, जिस तरीके से बताया, इस तरीके से बालों में जरूर इस जेल को अप्लाई कीजिए। यह आपके सिर की त्वचा को पोषण देता है, जिसे डैंड्रफ और खुजली की समस्या भी खत्म होती है और बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही दोस्तों आप अलसी का सेवन जरूर करें, इसका कोई नुकसान नहीं होता। आप बेफिक्र होकर इस सर्दी के मौसम में अलसी का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो अलसी के अंदर एंटी कैंसर गुण होते हैं। हार्मोन्स में गड़बड़ी होने वाले कैंसर जैसे कि स्तन कैंसर, गर्भाशय के कैंसर और स्पर्म ग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करती है। इतना ही नहीं, अलसी के बीज में लिग्निन का स्तर ज्यादा होता है जो ट्यूमर कोशिकाओं को बढ़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइमों को रोककर कैंसर के ट्यूमर की वृद्धि यानी कि उसके बढ़ने की गति को कम करता है, जिससे भविष्य में आप कभी भी कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा अलसी में काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और एनीमिया से बचाता है। तो जिनके शरीर में खून की कमी है तो उन लोग गुड़ के साथ जरूर अलसी का सेवन करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों, जिन महिलाओं का पीरियड्स रेगुलर नहीं होता और पीरियड्स के दौरान तेज दर्द रहता है तो उन्हें रोजाना अलसी खाना चाहिए। अलसी स्त्रियों के प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है, इसे हेल्दी बनाए रखता है, जिसे पीरियड्स नियमित होता है। अलसी के बीज स्तनपान के दौरान दूध न आने की प्रॉब्लम को भी दूर करता है।
बहुत सी ऐसी माँ हैं जिनके स्तन में दूध प्रॉपर नहीं आता, तो उन लोगों को अलसी का सेवन करना चाहिए। और अलसी के अलावा एक और औषधि है जिसका सेवन करना चाहिए, वो है मेथी के दाने। ये सर्दी के मौसम में अलसी और मेथी के लड्डू बनाइए और जिनके भी स्तन में दूध नहीं आ रहा है उनको खिलाया करें। इससे भरपूर मात्रा में स्तन में दूध आएगा और माँ और बच्चे दोनों भी हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अलसी पुरुषों की कई अंदरूनी समस्याओं को दूर करता है। जल्दी स्खलित हो जाना, नर्वसनेस, शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी हो तो अलसी डाइट में जरूर शामिल करें। अलसी खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ये आपकी सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको रेगुलर अलसी का सेवन करना होगा। इसके साथ ही गले में खराश को दूर करने के लिए भी अलसी एक बहुत अच्छा घरेलू उपाय है। आप अपने गले को आराम देने के लिए एक कप पानी में 2 से 3 चम्मच अलसी के बीज डालिए और इसे तब तक उबालें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फिर इस पानी को छान लें और इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू का रस मिलाकर इसे पी लें, इसका सेवन करें। इससे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गले की खराश को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अस्थमा यानी कि दमा के मरीज के लिए भी अलसी बहुत अच्छा होता है। इससे मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दमा की परेशानी से राहत देता है। इसके अलावा जिनकी आंखें कमजोर हैं, दूर पास का नहीं दिखता है, तो वे लोग भी अलसी का सेवन रेगुलर किया करें। इसके साथ अगर आप कोई और रेमेडी ले रहे हैं तो उस रेमेडी के साथ भी अलसी का सेवन कर सकते हैं। अलसी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कैरेटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं, आंखों को ड्राई नहीं होने देते हैं, आंखों में नमी बनाए रखते हैं। तो जिनकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वे लोग भी अलसी खाया करें और रोजाना खाया करें। दोस्तों, ये छोटे छोटे बीज जो है आपकी आंखों की रोशनी को लंबे समय तक, बुढ़ापे तक बरकरार रखेंगे। तो आंखों की कमजोरी के लिए, दुर्बलता के लिए क्या करना है, आपको अलसी, सौंफ और धनिया के बीज तीनों को बराबर मात्रा में लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। 50 ग्राम अलसी लिए तो 50 ग्राम सौंफ लेना है, बड़ी सौंफ, और 50 ग्राम धनिया के बीज को लेना है। तो आपको धनिया के बीज और अलसी को तवे पर हल्का भून लेना है, यहां पर आपको सौंफ को नहीं भूनना है, और इन तीनों को मिलाकर आपको इसका पाउडर बना लेना है। और रोजाना खाना खाने के बाद दोनों टाइम 2-2 चम्मच की मात्रा में थोड़ी सी मिश्री के साथ इसका सेवन करना है। इससे आंखों की रोशनी बड़ी तेजी से बढ़ेगी और दूर पास के ना दिखने की जो समस्या है, आंखों में पानी आता है, तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है अलसी खाने के बेहतरीन फायदे। इसके अलावा जिनका ब्लड शुगर लेवल लो रहता है ना, वे लोग अलसी अगर खा रहे हों तो ब्लड शुगर की जाँच लगातार करते रहें, क्योंकि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल और भी लो हो सकता है। अगर आप डायबिटीज में हैं, अगर आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, आप अलसी खा रहे हो, तो बीच बीच में आप खून में शुगर की मात्रा की जांच करते रहें, क्योंकि अलसी खाने से बहुत ही तेजी से शुगर लेवल कम होता है। इसके अलावा पूरे दिन में आप 20 से 30 ग्राम तक अलसी खा सकते हो, इससे ज्यादा क्वांटिटी में ना ले, नहीं तो नुकसान कर सकता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो की जानकारी कैसे ली आप हमें बताइए और जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।